सो गाइस हमारा अगला डेस्टिनेशन है सीके लेक, तो वहाँ पे जाके आप सभी को वीडियो बना के दिखाएगा। सीके लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, तो उसको यहाँ का जो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उसको आप सभी को मैं वीडियो का जरिए दिखा दूंगा, तो आप सभी वीडियो को देखते रहना। तो मिलते हैं आगे में। सो गाइस इस वक्त मैं आ गया हूँ सीके लेक पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पे बोट है जिसको आप पैसा देके आप चला सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक मोटर का होगा, एक पैदल का। पैदल का आपको लगेगा 50 रुपया एक आदमी का, और मोटर का लगेगा 100 रुपया एक आदमी का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा में मैं आया हूँ। तो गाइस आप देख लीजिए दूर तक है इसका जो एरिया है। तो ये रहा हमारा बोट, तो यहाँ से अभी वो अंदर एक राउंड मर के आएंगे, तो चलो जाके देखते हैं। पैदल मरी मरी तो अभी वो पैदल मरेगा, हम रेस करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, आर्टिफिशियल लेक है ये। वहाँ पे देखिए हम लोग, हम दोनों ने वो पीछे से आया है, तो अभी पैदल मर मर के ये आगे जा रहा है। और ये लाइफ जैकेट बहुत टाइट हो रहा है गला में, सी करने दे रहे, फिर भी ये सेफ्टी है, तो इसको हमेशा पहनना है अगर आप यहाँ में आते हैं तो। अभी हम भी साथ में मर गए। और गैस जिसको पता नहीं है एक चीज़ बता देगा, जो बेरिया मूवी का शूट है ये सीके लेक में भी हुआ है, कुछ कुछ सीन जो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब वो ऐसा कि नहीं जाने क्या, हम कुछ बोतल रसीम बन के रखें। वहाँ देखो वहाँ अमीर लोग हैं, और हम गरीब लोग यहाँ पे पैदल मर रहे हैं, पैदल मरी मरी कर रहे हैं। वहाँ पे देखो मोटर से चल रहे हैं और पैदल मार मार के बहुत तक गए, अभी वो दूर तक जाने, वो पीछे से आए तो अभी जाना है आगे। हर जगह में डस्टबिन देखने को मिलेगा, तो आप अपना कचरा जो आप यूज़ किए उसको डस्टबिन में डाल दीजिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। ये सीके लेक का जो गहरा है, मैंने स्टाफ से पूछा है, इसका गहरा जो 25 फीट है, और वहाँ पर कुछ अंडर में दलदल जैसा टाइप भी है, तो बहुत ही रिक्स वाला लेक है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ जैकेट पहन के आप बोटिंग करना चाहिए अगर आप आते हैं तो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और जीरो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको टूरिस्ट प्लेस बहुत देखने को मिलेगा, तो आप अपना वैकेशन दोस्तों के साथ जा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ जा सकते हैं अगर आप आते हैं तो। और जीरो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सबसे फेमस चीज़ वही है, और यहाँ पे जीरो म्यूजिक फेस्टिवल बहुत ही फेमस है। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में सिर्फ इंडिया के नहीं पूरा एब्रोड से भी आदमी आके यहाँ पे मज़े करते हैं। और जीरो म्यूजिक फेस्टिवल सितंबर या अक्टूबर के माउंट के बीच पर होता है, तो ये बार भी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल होगा, लेकिन हमको शायद उसमें घूमने नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि खर्चा बहुत हाई होता है, तो उसमें तो मेरा कोई सीन नहीं होगा। लेकिन सागने से हम बना देगा आप सभी के लिए वीडियो, और आप सभी को वीडियो बना के दिखेगा, देखते हैं बट में सीन क्या होता है। लगाए सभी यहाँ पर आया है सतरदे मार्केट में, तो शाम को हम लोग वीडियो जितना शूट करना था उसको शूट करके दापोगे और निकलेगा, तो उसमें बहुत ही दूर आग में फंसते हैं, तो उसके लिए चश्मा लेगा, ये सही है ना, जो कौन सही है। अच्छा उसकी चलो अच्छा गैस, अगर आप सतरदे मार्केट आते हैं तो आपको बहुत सारा ऑप्शन होगा खरीदने में, और यहाँ का प्राइस भी थोड़ा जेन्युइन होता है, तो आप अगर जीरो आते हैं तो सतरदे मार्केट भी विजिट कर सकते हैं। ये देखिए ये जाल है मछली मारने के लिए। बहुत जुगाड़ करने के बाद इससे लिया है 130 में, लगता है बहुत दाम ही लिया, वो बोलने में 200 बोल रहा था। तो अभी जाएगा यहाँ से, अभी
कुछ खाने के लिए आया था, तो खाना पीना तो यहाँ का जो होटल का ख़त्म हो गया बोले, और बहुत भूखा भी लग गया। तो अभी हम निकलेंगे जीरो का व्यू पॉइंट में, जहाँ पे आई लव जीरो लिखा है वहाँ पे, और वहाँ से सी लेक भी जाएगा। और एक्चुअली ये वीडियो हम इतना लंबा नहीं बना सके क्योंकि शाम को ही हमको दापोरिजो निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम भी नहीं जुड़ेगा, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा हाईलाइट बना रहा हूँ वीडियो को, तो आप लोग वीडियो को देखते रहना। सो गाइस, बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है, तो यहाँ पे अभी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का जो डेकोरेशन है चल रहा है, तो उसका कारण यहाँ पे नॉट अलाउ किया गया है। आप सभी को आई लव जीरो लिखने वाला को दिखेगा सर जो वहाँ पे बोर्ड थे। तो कुछ नहीं, अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा हमारा सी लेक, तो सी लेक में जाके आपको वीडियो बना के दिखेगा। तो यहाँ का तो कैंसिल हो गया है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो 20 सितंबर को जीरो फेस्टिवल होगा, जो आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डेकोरेशन चल रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। ये पबजी का गाड़ी है, पबजी गैंग, पबजी। ओह माय गॉड, वाओ। तो दोस्त अभी मैं सी लेक पर हूँ, तो आप देख सकते हैं सी लेक का जो पीछे में लिखा हुआ है, ये पीछे में, तो अंदर जाके देखते हैं कितना शानदार व्यू होने नज़ारा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारा विजिटर आया हुआ है यहाँ पर, तो इतना सारा गाड़ी है। सर वहाँ पे हो टिकट, वहाँ पे चल के देखते हैं और अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे टिकट मिलेगा, उसके बाद एंट्री टिकट कितना होगा आप सभी को मैं बता दूंगा। एक टिकट का 20 रुपीज़। यहाँ से बोट स्टार्ट होता है, आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ कुछ लोग नहीं, बहुत सारा लोग एक बोट पे है, मोटर बोट पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे में है सी लेक, तो सी लेक का नज़ारा आप देखिए बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे आप आ सकते हैं घूमने के लिए, चिल कर सकते हैं, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। और जो पीछे में मैंने दिखाया था आप सभी को सी के लेक, उसका कंपेयर इसका जो एरिया है बहुत ही छोटा है, उसका कंपेयर इसका थोड़ा छोटा है। और गैस ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है ये भी, तो देखने में तो लग रहा है नेचुरल लेक है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप वॉक करके घूम सकते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़े से लाइट फिक्स किया गया है, रात को भी घूम सकते हैं। और आप देख लीजिए वहाँ पे बहुत सारा आदमी आया है, वो सब अभी बोटिंग करेंगे, तो देख लीजिए। और इसके बाद इसका जो एरिया है वो दूर से लेके आप वो कोना कोना से वॉक कर सकते हैं, तो ये है सी लेक। तो गाइस आपने सी लेक को देख लिया, उसके बाद अभी हम भूख लग रहा है, तो कहीं में खाना खाने जाएंगे होटल में जाके, तो उसके बाद हमारा जो प्लानिंग है सीधा दापोरिजो की ओर निकलेंगे। और गाइस ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि इसमें इतना कुछ आप सभी को नहीं दिखा पाएगा, इसमें आप सभी को मैंने सोचा था चार जगह दिखाएंगे, एक है कासा रिजॉर्ट, एक है सी लेक जो ये है, और एक सी के लेक, और एक आपको जीरो का व्यू पॉइंट को दिखाएगा सोचा था, लेकिन वहाँ पर अभी नो एंट्री है क्योंकि वहाँ पर अभी म्यूजिक फेस्टिवल का प्रिपेयर चल रहा है, वहाँ पे डेकोरेशन चल रहा है, तो उसके बाद अभी सीधा निकलते हैं, कुछ गाने निकलते हैं। तो दोस्तों अभी होटल में पहुँचे हैं कुछ खाने के लिए, तो आज दिन भर बिना खाए भूखा में वीडियो बना के चला, तो अभी यहाँ पे बैठे खाएँगे, और उसके बाद सीधा दापोरिजो की ओर निकलेंगे, तो यहाँ से खाना खा के निकलेंगे। तो दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो गया है, अभी सीधा निकलना है दापोरिजो, और अभी बहुत शाम हो गया, 5 बज गए, पता नहीं दापोरिजो कब पहुंचेगा, तो चलते हैं और आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगने से, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और गाइस मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर आप फॉलो कर दीजिए मुझे, और मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में।